हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फोर फ्लेवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी। सब्जी के लिए हमने पहला प्याज काट लिया है, 4 प्याज, 2 टमाटो, 3 ग्रीन चिलीज और ओरिएंडर को काट लिया गया है। पहले हमने पैन में तेल डाला। तेल डालने के बाद गार्लिक सौते किया और गार्लिक सौते करने के बाद ये स्लाइस वाला प्याज डाल के प्याज को भूनना स्टार्ट कर लिया। और ये है हमारा करेला, हैरिनेटेड विथ सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर। तो प्याज भूनने के बाद हल्का सा ब्राउन रंग आएगा। ब्राउन रंग आने के बाद हमने एक काटा हुआ करेला जो हैरिनेटेड था इस पैन में डाल दिया है। और डालने के बाद हमने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करो ताकि हर एक पीस पक जाए। सौते देन वेरी वेल ऑन अ लो फ्लेम। प्लीज गैस को लो फ्लेम में डालिए। और अब हम स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। ये रहा अपना जीरा पाउडर, उसके बाद अपना आ गया काली मिर्च वाला पाउडर, और इसके बाद हम डालने वाले हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से कुक किया है। वी मिक्स इट वेरी वेरी वेल इन ऑर्डर द फ्लेवर रिचेस टू ईच एंड एवरी पीस ऑफ इट। देन we add just a sprinkle of water so that the spices might not get burnt. And we have kept the gas flame on a very low so that karela may get cooked really very well. और इसके बाद हम फिर से इसको टॉस करेंगे, देखते रहना है ताकि करेला लग ना जाए या फिर जल ना जाए, इसलिए इसको बार बार मिक्स करते रहना है। बाय दिस स्टेज इट वॉज ऑलमोस्ट कुक। सो एट लास्ट वी एडेड अ सॉल्ट एंड we mix it really well and the taste of this sabzi was really very good. I hope you all try this at home. आशा करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग सही लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।